कालका शिमला हेरिटेज ट्रैक पर गाड़ियों की स्पीड बढ़ाने की कवायद रेलवे ने शुरू कर दी है। स्पीड बढ़ाने को लेकर रेलवे ने पहला ट्रायल रविवार सुबह शुरू किया। तेज स्पीड में ट्रैक पर शिमला स्टेशन से रेल इंजन 9:30 बजे शोघी के लिए रवाना किया गया। टेक्निकल इंजीनियरों की टीम ट्रायल के दौरान ट्रैक और इंजन में मौजूद रही। आगामी 3 दिनों तक शिमला से शोघी और शोघी से शिमला स्टेशन तक ये ट्रायल स्पीड ट्रैक पर किया जाएगा। रेलवे का प्रयास है कि ट्रैक पर पर्यटकों का सुहाना सफर कम समय में पूरा हो। कालका से शिमला तक का सफर 3 घंटे में पूरा करने के लिए ये ट्रायल करवाए जा रहे हैं। कालका से शिमला तक का ट्रैक की कुल दूरी 96 किलोमीटर है। इस दूरी को तय करने के लिए वर्तमान में टॉय ट्रेन लगभग 5 घंटे का समय लेती है, जो काफी ज्यादा है। शिमला स्टेशन मास्टर प्रिंस सेठी ने बताया कि स्पीड को लेकर जो ट्रायल ट्रैक पर किया जा रहा है, उसे अलग-अलग स्पीड में किया जाएगा। पहले 25 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा, फिर 30 और फिर 35 की स्पीड में अलग-अलग ट्रायल ट्रैक पर शोघी रेलवे स्टेशन से शिमला स्टेशन तक किया जाएगा। जिस स्पीड में ट्रेन ट्रैक पर सही तरीके से चलेगी, उसी स्पीड को फाइनल किया जाएगा। ट्रायल के दौरान टीम भी ट्रैक पर मौजूद रहेगी, जो सारी व्यवस्थाओं को जांचेगी। 3 दिन तक लगातार ट्रायल होंगे और इसके सफल होने पर बाद ही स्पीड बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आज शोघी से शिमला के लिए ट्रायल हुआ है, जिसके लिए हमारी आरडीएसओ की जो टीम है लखनऊ से वो आई हुई। शिमला से अभी हमने 9:30 बजे इंजन चलाया जो शोघी जाएगा, और इसका अप डायरेक्शन में डिफरेंट स्पीड पे ट्रायल होगा, जिसके 2 ट्रिप्स आज होंगे। फर्स्ट ट्रिप अलग स्पीड से, सेकंड ट्रिप अलग स्पीड से। कितने दिन तक चलेगा ये ट्रायल? ये ट्रायल जो है 3 दिन के लिए नॉमिनेटेड है। 3 दिन शोघी से शिमला, देन शिमला से शोघी, अलग उसके डेज है। तो अभी शोघी से शिमला के लिए 3 दिन। अच्छा, अगर हम बात ट्रैक है, शिमला से कालका 96 किलोमीटर का हमारा ये स्ट्रेच है। उसमें शिमला से कालका के लिए जनरली जो नॉर्मल ट्रेन है वो 5 घंटे लेती है। उसके अलावा हमारी रेल मोटर कार है वो 4 घंटे 20 मिनट लेती है। शिवालिक है वो 4 घंटे 40 मिनट लेती है। ट्रायल जो है स्पीड ट्रायल है, तो नेचुरली स्पीड को एनहांस करने के लिए ही ट्रायल किया जा रहा है। हमारे रेल मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी के ने आदेश दिए थे कि इसको इस सेक्शन में रेल स्पीड को बढ़ाया जाए, जिससे पैसेंजर्स को सहूलियत हो पाए। उसी उन्हीं के दिशा निर्देशों पर ये सारा कार्य किया।